गोट फार्म में आपका स्वागत है। ईद का दूसरा दिन है, सुबह लगभग आई थिंक 6 बजे और माल आ गया है हमारे पास। बहुत मेहनत होती है यार भाई, आप लोगों को लगता है कि हम लोग नफा कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सही बात है। उसके अलावा आप मेहनत भी देंगे क्योंकि पब्लिक की रिक्वायरमेंट ही खस्सी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और कहीं मिल रहे नहीं, कहीं पर भी नहीं मिल रहे अच्छे खस्सी। तो मैं थोड़ी सी कोशिश किया हूँ जितनी मेरे बस में है कि मैं खस्सी लाने की, तो मेरे ख्याल से 55 या 60 खस्सी आए हैं और कुछ 20-25 बकरे अंडू आए हैं। एवरेज पट्टी है, ज़्यादा बड़े बकरे भी नहीं मंगाए हो, मीडियम बकरे। तो अच्छे बकरे आ गए हैं, आप देख लो, हम लोग उतारना चालू करते हैं। तो आमिर भाई आ जाओ, तुम लोग का है तंजीर लो, बकरे एक 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 करके हम लोग उतार के पहले अंदर ले लेंगे क्योंकि लोगों को बताना ज़रूरी है माल आ चुका है हमारे पास। खस्सी जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की, तो लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, जल्दी करना पड़ेगा आपको क्योंकि लेट अगर करते हैं तो काफ़ी लोगों का, कल से हमने ऑर्डर लिख के रखे हैं कि मेरे कुछ 3 बकरे हैं, मेरे 2 बकरे खस्सी, किसी के 5 बकरे, तो जो कम फर्स्ट वाला है वही हम लोग दिखाएंगे। एवरेज खस्सी है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है या बहुत ज़्यादा छोटे, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी कुर्बानी तो एटलीस्ट हो जाएगी। जिनकी कुर्बानी जो खस्सी पे करते हैं और अंडू पे बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अंडू को, उनके घर में चाहे कुर्बानी नहीं हो लेकिन वो अंडू नहीं करेंगे, तो उनके लिए ही हम लोग, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनके घर में कुर्बानी हो किसी भी सूरत में। इसीलिए मैं ईद वाले दिन बड़ी मुश्किल से, हम लोग ईद के दिन भी, कल के दिन हम लोग ने गाड़ी भरवाए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 81 या 82 बकरे मेरे पास आज फार्म पे आए। तो वीडियो पूरा देखें, हम लोग आगे भी तुम्हारे को और भी डिटेल में इंशाल्लाह लोगों का बताते हैं। माशाल्लाह आप देखेंगे पूरा लॉट उतर गया। एक्चुअली हम लोग ने वीडियो डालने में थोड़ा सी लेट किए क्योंकि होता यह है कि माल आता है और फौरन पब्लिक आ जाती है वीडियो देख के और हमें दाना पानी करने का मौका नहीं मिलता है उसमें। सफ़र के बाद होता क्या है कि जब बकरे वहाँ से चढ़ते हैं, वहाँ से लोड होते हैं, तो उनका वज़न वो टाइम का और आने के बाद कम से कम 3-3.5 किलो छोटे बकरों में, बड़े बकरों में 5-5.5-6 किलो का वेट लॉस होता है और हम लोग वज़न से देते हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कैलकुलेट करें तो एक बड़ा अमाउंट उसके अंदर चला जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग ने सुबह 6 बजे उतरने के बाद वीडियो लगभग 10 बजे अपलोड करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको आसानी से, हमें भी 2 पैसे का नफ़ा मिलेगा और आप लोगों को भी भर पेट खाया हुआ बकरा और साफ़ सुथरा फ्रेश बकरा मिलेगा और उसको एक्चुअली आराम करने का भी मौका मिल जाएगा यही बहाने बकरे को। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि लोगों तक का कुछ हमारे ज़रिए कुछ मदद इन द सेंस, हमें भी 2 पैसा मिले और आप लोगों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क शायद ही कोई लेता है। आप पूरी बकरी इंडस्ट्री में देखें कि ईद वाले दिन भी गाड़ी उतारना और बासीद वाले दिन उतारना, चांद रात की रात में उतारना, मंडी तेज़ी में है ये हमें पता है, इसीलिए हम लोग भी हिम्मत करते हैं और हिम्मत का ही ये इस धंधे में पैसा है, जो हिम्मत करता है वो कमाता है। लास्ट ईयर तो काफ़ी मामलात ख़राब हुए थे लेकिन फिर भी हम लोग ने आखिरी में काफ़ी, ईद वाले दिन मैं लास्ट ईयर भी मैंने बकरे मंगाया था और मैंने 350 रुपये से वो टाइम पर बेचा था जब डूबी हुई मंडी थी। तो ये बार तो तेज़ी है मंडी में और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए, हमारे फार्म के ज़रिए, स्टार गोट फार्म के ज़रिए खस्सी बकरों का लॉट आप लोगों तक का लेके आए, जिसमें काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बकरे आए। ये एक बकरा आप देखें, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, 2 दांत का गुजरी में है, मालवा गुजरी क्रॉस है, बहुत प्यारा बकरा है, बहुत गर्म। अगर कोई पलटी के लिए रखना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन है, ले ले आप हमारे पास से। और ये एक्चुअली हम लोग ने रेट बता दें, ये 450 रुपये में खस्सी है और 400 रुपये में अंडू है इसके अंदर, तो आप देख ले। जिसमें सिर्फ 2 या 4 बड़े अंडू हमारे पास इस गाड़ी में आए और पुराने हमारे पास कुछ बड़े अंडू हैं, तो वो हम लोग आपको 450 रुपये में देंगे। मैं आपको रेट एक बार फिर कन्फर्म करता हूँ, खस्सी 450 रुपये किलो, छोटे अंडू 400 रुपये किलो, बड़े अंडू 450 रुपये किलो, ये फिक्स रेट है, हम लोग बता दिए। और हमारे पास स्टॉक नया आया है,
तो मैं कल देवनार भी घूम के आया, पूरी मैंने देवनार मंडी देखा, मुझे खुद एक्सपीरियंस है, कुछ माल नहीं है, माल ख़त्म हो चुका है। तो अभी फिल वक्त स्टार गोट्स फार्म पे माल है और बकरे हैं, खस्सी अंडू दोनों। तो आप लोग जल्दी करें, विजिट करें, क्योंकि आपकी कुर्बानी का सिर्फ 2 ही दिन बचा है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।